back to my channel. Welcome back to Ishika's birthday series. I'm back with a new video. So आज हम एक challenge करेंगे. Of course, it's a makeup challenge. So आज का जो challenge का topic है वो है one dip makeup challenge. Now let me explain the meaning to you all कि it's one dip makeup challenge का मतलब होता है कोई भी product को मैं लूँगी उसको मैं सिर्फ एक dip product लेके मैं अपना पूरा face करूँगी. Only one dip product. So, it's not an easy challenge, guys. One dip में पूरा face, one dip में दोनों eye करना is really tough. But I have made it easy and I have made it tough also. वो तो आपको video देखकर ही पता चलेगा कि मेरे लिए ये easy challenge था ये difficult challenge था. Okay, let's get started to the challenge. Let's start with the moisturizer then. So, I'm using Lakme Peach Milk का moisturizer. क्योंकि winter खत्म हो गया है तो मेरा पुराना प्यार मेरे को वापस आ गया. फिंगर से जितना हो सकता है मैं अपना लूंगी. दो आई वॉन्ट इट नीड इतना. सो या दिस इज द अमाउंट आई हैव टेकन एंड जितना लग गया उतना मैं ले लू. फर्स्ट स्टेप वॉज क्वाइट इजी. ओके, आई एम यूजिंग द प्राइमर, ब्लू हेवन का प्राइमर. ये तो लगता है जब तक मेरा खत्म नहीं होगा तब तक मैं यूज करने वाली हूँ, विच इज एक्चुअली ट्रू. तो इसमें से वन डिप लेना है, जस्ट वन डिप. So I've taken just one dip. So after this one's done, let's move to concealer. So आज मैं बेस पे कंसील करूंगी डायरेक्टली क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े बढ़ गए. This one's a little tricky. So ये है हमारा कंसीलर. तो इसमें से जो एप्लीकेटर में जितना प्रोडक्ट उठेगा उतना ही प्रोडक्ट लेके मुझे दोनों आई करना होगा. सो मैं थोड़ा अच्छे से ले लू. So yeah, this is the amount of product that has came. I think quite a good amount has came. Now let's just blend it. So beauty blender को मैं यहीं पे dab कर दूँ. So जो बचा कुचा leftover product इस पे है वो भी लग जाएगा, which can add to the कमी of my product. फाउंडेशन हम लोग क्या करेंगे. सो इसमें से मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपने हाथ पे लूंगी. उसके बाद जो प्रोडक्ट इस ब्यूटी ब्लेंडर पे उठेगा उसी प्रोडक्ट को लेके मुझे अपना पूरा फेस करना है. उसी एक डिप में जितना प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी एनफ. उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती. सो या लेट्स डू इट. सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड मैं चाहती हूँ ये मैं पूरा ब्यूटी ब्लेंडर में लूंगी. सो वन डिप एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. सो ये कुछ ज्यादा ही व्हाइटिश नहीं लग रहा है. अच्छा, इसके बाद हम लोग अपना आईब्रो पार्ट करते हैं. सो फॉर आईब्रो हैव वेट एंड वाइट का अल्टीमेट ब्राउ किट. इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा ब्रश है इसका. इस ब्रश में ये वाला शेड जितना उठेगा उसी से मुझे दोनों अपने आईब्रोज को फिल करना है. सो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा ज्यादा ले लूं. दिस इज द अमाउंट आई ट्राइड टू पिक अप. It's done and let's go to the eyeshadow part. Eyeshadow, I have this palette. So eyeshadow के लिए जो हम लोग करेंगे वो है कि so एक particular shade को मैं सिर्फ एक बार ही ले सकती हूँ. Like I put the brush in, जितना product उठेगा उतना ही मैं use कर सकती हूँ. Same shade को मैं दो बार नहीं ले सकती हूँ. I should take थोड़ा colorful look करते हैं. इस शेड को मैं जस्ट एक बार डिप करूंगी एंड अच्छे से ले ली हूँ. अब इसी से मुझे अपने दोनों आई को करना है. चैलेंज का आइडिया मुझे इसीलिए आया क्योंकि सी इट्स माय बर्थडे वीक एंड मेकअप चैलेंज तो होना ही चाहिए बिकॉज माय चैनल इज अबाउट मेकअप. सो आई थिंक अगर मेकअप चैलेंज नहीं रहेगा तो ये मेरा बर्थडे सीरीज कैसे हुआ. सो दैट इज द रीजन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार एक मेकअप चैलेंज तो करना है. सो क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक मेकअप चैलेंज ऑलरेडी देखा है लेकिन मैं फिर से एक मेकअप चैलेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे सीरीज है. मेरे बर्थडे सीरीज में मेकअप नहीं रहेगा तो इट वुड लुक रियली एब्सर्ड. ओके, तो सफिशियंटली कुछ ऐसा लग रहा है. ये आई में थोड़ा अच्छे से हुआ है, ये आई में था इट्स अ लिटिल बिट लेस. एज माय ड्रेस इज येलो सो आई शुड बी टेकिंग दिस येलो वाला लाइक गोल्डन ग्लिटर. या सो एक डिप, जस्ट वन डिप.
not really matching my outfit, so मुझे कुछ और shades लेना है and I need to experiment. So अभी to innovate a little bit more on my look, मैं थोड़ा inner corner को different color से highlight करूँगी. So I'm gonna use this shade. ये थोड़ा sea green type का shade है and it's a glitter one. इससे मैं अपने inner corners को highlight करूँगी. Then our eyeshadow part is done and I pretty much like this new type of innovative eyeshadow. And let's move to our eyeliner part, which is going to be a little tricky. I'm taking the Lakme. मुझे एक्सपेरिमेंट करना था अपने लुक के साथ, सो मैंने अपने लुक को बिगाड़ दिया. आई थिंक वी कैन न्यूट्रलाइज इट. वेट, आई नो ये रेड शेड पे ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं हर बार सेफ खेल रही थी, लेकिन इस बार मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने कर लिया है. टाइटल के लिए मेरा टूटा फूटा सा मेबलिन, ओके इसको ना ऐसे लेती हूँ. Oh my goodness, look at the product, yaar. So, highlighter looks pretty much awesome. Now, I think lipstick. OMG, lipstick is gonna be difficult. Kyunki pura ek stroke mein to lipstick nahi lag jata hai. अभी देखते हैं क्या होता है. फॉर लिपस्टिक आई हैव दिस माई ग्लैम का कौन सा शेड, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस शेड. सो आई हैव द माई ग्लैम LN35. को हम लोग एक ही स्ट्रोक लेंगे. आई डोंट नो एक ही स्ट्रोक में होगा कि नहीं. ओके आई हैव टेकन प्रीटी मच, हो तो जाना चाहिए. Also, lipstick also done pretty well. Actually, pretty well नहीं हुआ है. Lipstick उतना properly नहीं लग पाया है. See, ये जो part है, पूरा part खाली है क्योंकि एक stroke में वो नहीं हुआ. Lipstick ना थोड़ा dark light हो गया, different different patches पड़े हुए. Okay guys, so this is our final look and I pretty much like this look. कम से कम पिछले वाले look से तो अच्छा है. So here we come to an end of our video and मुझे बड़ा मजा आया ये makeup challenge करने में, बहुत मजा आया seriously. Please like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell. यार रोज video जा रहे हैं. So मैं birthday के लिए 7 days 7 videos कर रही हूँ यार. So hit the notification bell. Okay guys, so meet you at the next video. Until then, goodbye guys.